हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहां पर आपको बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स, बम्पर जॉब ओपनिंग्स एक साथ में मिलने वाले राइट। जैसे हम सब जानते हैं कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है COVID-19 की, यहां पर मेनली अगर मैं फ्रेशर्स की बात करूं तो अगर आप अभी के पास आउट हो तो डेफिनेटली एक तो जॉब ओपनिंग्स कंपनी नहीं निकल रही है, सेकंड थिंग आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता इसलिए कोई भी आपको हायर भी नहीं कर रहा है राइट। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो बहुत बार मुझे बोलते हैं कि मैम मैंने बहुत सारे जगह पर मेरा रिज्यूमे सेंड किया बट आई डिडंट गेट द जॉब राइट। तो कभी कभी हमारे पास में जो हमारा जो रिज्यूमे होता है वही देखा जाता है, हमारे स्किल्स को अनदेखा किया जाता है राइट। अगर आपके पास में थोड़ा बहुत कम मार्क्स है या आपकी डिग्री जो है वो कोई किसी अच्छे कॉलेज से नहीं है या बीटेक एमटेक लेवल की नहीं है तो हम एमएनसी के लिए अप्लाई करने में भी थोड़ा सा कचराते राइट। तो अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोग के साथ में आज शेयर करूं जहां पर आप कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, इंजीनियरिंग से हो, बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो या किसी भी, मतलब बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अगर इवन तो आप 2021 में भी ग्रेजुएट होने वाले हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। यस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये आप सब लोगों के लिए जो मेनली फ्रेशर्स है और जिनके पास में 0 to 3 years का एक्सपीरियंस है। 3 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा कुछ नहीं माना जाता है लेकिन हाँ, अगर आप मतलब उतना भी एक्सपीरियंस आपके पास में है या आप कंप्लीटली फ्रेशर हो तो भी आप इस प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जो प्लेटफॉर्म मैं आप लोग आज में शेयर कर रही हूँ वो है अनअकैडमी की तरफ से रिलेवल नाम का। रिलेवल एक हम कह सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट टाइम होने वाला एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पर नियर अबाउट 50+ कंपनीज हैं और 500+ पोजीशंस यहां पर अक्रॉस द इंडिया आपको मिलेगी। और आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो, आप कौन से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप कौन से भी क्वालिफिकेशन से बिलोंग करते हो, आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो और वो भी आपके जो कैटेगरी है उसी के साथ में। जो कैटेगरीज है, इसका प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ हम आज डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में राइट। तो अगर मैं बात करूं कि आपके पास में किसी भी स्किल का नॉलेज है, मतलब देखो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करते हो ना तो डेफिनेटली आपका रिज्यूमे कहीं भी नहीं देखा जाएगा, आपका स्कोर क्या है वो भी नहीं देखा जाएगा। आपको चांस मिलेगा कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो इस टूर्नामेंट में आप एक बार एग्जाम के थ्रू, मैं कह सकती हूँ, आप लोगों को दिखा दो, कंपनीज को दिखा दो कि हाँ ये मेरा स्कोर है। और आपका जो कोई भी है इस टूर्नामेंट में जब आप कोई भी एक एग्जाम्स देते हो उसका जो स्कोर है वही स्कोर कंसिडर किया जाएगा आपके इंटरव्यूज के लिए, मतलब आपके ग्रेजुएशन के डिग्री का कोई भी स्कोर यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। ये सबसे अच्छी बात है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज होती है अगर आपका बैकएंड कोई भी बैकलॉग्स होते हैं तो वो लोग हायर नहीं करते राइट। लेकिन यहाँ पर आपका बैकलॉग देखा नहीं जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा, आपका बस डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ 21 में आपका डिग्री अगर आप कंप्लीट भी हो रहे हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, या जब फ्रेशर्स हो तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं कंपनीज की बात करूं, एक रिलेवल क्या है, तो एक अनअकैडमी की तरफ से किया जाने वाला एक पहला ऐसा चांस है हमारे लिए जहां पर इतनी सारी कंपनीज आ रही है जो कि जिन लोगों को, उन कंपनीज को एक स्किल्ड पीपल की जरूरत है। वो लोग आपके मार्कशीट को नहीं देखने वाले, आपके स्किल्स को देखने वाले। और जिसका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो कुछ, मतलब अगर आप ऐसा मत सोचो कि मैं फ्रेशर हूं और मेरा जॉब का पैकेज जो रहेगा वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख होगा, तो नहीं, नियर अबाउट आप 15 लाख के आसपास, 15 लाख के आसपास आपका जो सैलरी का है एनुअल पैकेज रहेगा यहाँ पर। और आपका जो कोई भी यहाँ पर जिस रोल के लिए भी आप अप्लाई करोगे वो आपका जो ये टूर्नामेंट रहेगा, इस टूर्नामेंट में जो कोई भी ये स्टेजेस आएंगे, एग्जाम्स आएंगे, उसी के स्कोर के आधार पर आप जो है वो इंटरव्यू को भी फेस करोगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर कौन से कंपनीज हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं आपको हायर करने के लिए, तो ये देखो, ये इतनी सारी कंपनीज है जिसमें आप कार्बन क्लैप है, देन आपका रेजोपे है, देन अपग्रेड है और मेनी मोर है, सिंपली लर्न, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग रोल के लिए आपको यहाँ पर हायर करेंगे। अब मैं बात करती हूँ कि ये टूर्नामेंट होने कैसे वाला है, आप यहाँ पर रजिस्टर कैसे करते हो, ठीक है। तो ये जो टूर्नामेंट होगा रेलेवल का, वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, या 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो ये जो टूर्नामेंट है इसमें 3 मेन कैटेगरीज हैं, जो कि एक है रिलेटेड टू द बिजनेस डेवलपमेंट, एक है जो कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और एक है जो बैक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। 3 टाइप के अलग अलग है। अगर अब मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपके पास में कौन सा नॉलेज है तो आप कहाँ पर यहाँ पर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अगर आपके पास में बैकएंड डेवलपमेंट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो मैं समझ सकती हूँ कि अगर आपके पास में, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर का बैकएंड डेवलपमेंट के लिए जो जो कोई भी चीजें लगती है, जैसे आपका SQL हो गया, JavaScript हो गया, देन आपका गैंजो हो गया, सिस्टम डिजाइन होगा, अगर इस चीज का आपके पास में नॉलेज है तो आप बैकएंड डेवलपमेंट के लिए इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो। अगर आपके पास में HTML, CSS, JavaScript इसका नॉलेज है
तो आप फ्रंट एंड के लिए डेवलपमेंट के लिए चले जाओ। अब आप लोग सोचोगे कि अगर मेरे पास में प्रोग्रामिंग का कोई भी नॉलेज नहीं है तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ, तो आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहां पर आप कोई भी ग्रेजुएट हो किसी भी रिलेटेड, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द सेल्स, इट्स रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन स्किल। और ये मत सोचो कि इसका सिलेबस ऐसा होगा क्या होगा, तो देखो आप जब यहाँ पर अप्लाई कर लेते हो तो आपके पास में इसका एक अच्छा खासा सिलेबस आ जाएगा। उस सिलेबस के थ्रू में आपको जाना है, जिस पर बेस्ट इसके कुछ एग्जाम्स होंगे, इसके जो स्टेजेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि ये तीनों टूर्नामेंट जो है वो एक साथ में ही चलने वाले हैं, और जिस कोई भी आप टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हो तो इसका एक प्रॉपर सिलेबस आप लोगों के पास में आ जाएगा। हर टूर्नामेंट का यहाँ पर एक मैं कह सकती हूँ एक 5 चैलेंजेस है यहाँ पर, जहाँ पर फर्स्ट स्टेज में होता है आपके 3 चैलेंजेस होते हैं जिसको हम प्रीलिम्स कहते हैं, और सेकंड जो होता है वो है आपका मेंस कह सकते हो एडवांस कह सकते हो, जहां पर आपके 2 चैलेंजेस होते हैं। और इन 5 चैलेंजेस को जो कोई भी कैंडिडेट, जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर अचीव कर लेता है, मतलब इसका स्कोर जिसका भी अच्छे रहते हैं, मतलब अगर 100% में से अगर मैं बात करूँ तो 25% जो है कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पर लास्ट स्टेज में जो आएंगे वही फाइनल जो होंगे, वही लोग जो होंगे वो जो कंपनीज यहाँ पर आ रही है उन लोगों के साथ में इंटरव्यू के लिए बैठ सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे, जिसमें आपका रिटन टेस्ट होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, देन आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर आपका कुछ राउंड्स होने के बाद में आपका फाइनल एक इंटरव्यू राउंड होता है। इसी तरह से ये जो टूर्नामेंट है इन लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रीलिम और आपका मेंस। प्रीलिम्स में आपके 3 चैलेंजेस आपको फेस करने हैं और मेंस में आपको 2 चैलेंजेस फेस करने हैं। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि ये जो आप टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करोगे ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है तो यू हैव टू पे अ लिटिल अमाउंट हियर। अब मैं आप लोग पूछोगे कि यहाँ पर पे क्यों करना पड़ रहा है, तो देखो अगर कोई भी चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना तो हमें उसका एहसास नहीं होता है, तो इसी तरह से। और इनके कुछ फीस भी है जिसकी आपको बेनिफिट भी मिलेगा मैं कह सकती हूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक तो फेस करने को मिलेगा कि इंटरव्यूज की एक्चुअल में प्रोसेस कैसी होती है, और ये जो अमाउंट आप लोग यहाँ पर पे कर रहे हो वो बहुत नहीं है, इट्स अ लिटिल अमाउंट। जैसे कि मैं बात करूँ तो इसका एक्चुअल फीस जो है वो 1999 है, बट इफ़ यू आर यूजिंग एनी प्रमोशनल कोड यहाँ पर, जैसे कि अगर मेरा प्रमोशनल कोड आप यहाँ पर यूज करते हो MIM10, तो आपको फीस अगर यहाँ पर पे करना पड़ेगा तो वो है 1799, ठीक है। मैं ये वीडियो में ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स बाद में आ जाते हैं कि मैम यहाँ पर तो फीस पे करना है, ये करना है। मैं पेड जो कोई भी होते हैं फीस पेड करने वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कम से कम आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, जहां पर मुझे भरोसा होता है वही आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। इससे पहले मैंने एक किया था वो रिलेटेड टू द ई मास्टर था, वहां पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर आपको फीस पे कर ही आगे जाना होगा, तो उसी तरह से ये भी टूर्नामेंट है आपका। और ये मैं कह सकती हूँ इट्स 100% जेन्यून प्लेटफॉर्म बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द अन अकेडमी, ठीक है। तो आप यहाँ से किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप चले जा सकते हो, हाँ एट द सेम टाइम आप किसी भी एक ही टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हो। अब बात करती हूँ मैं टाइमलाइंस की, अगर मैं टाइमलाइंस की यहाँ पर बात करूँ तो 22 जून इसका लास्ट रहेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके बाद में आपका 26 जून से लेकर इसका जो है इसके जो टूर्नामेंट्स के चैलेंजेस है वो चलते रहेंगे, और नियर अबाउट 6 जुलाई को आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, और 7 जुलाई को आप यहाँ से आपके जो इंटरव्यूज है इसका जो प्लेसमेंट है वो शुरू भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों को, हाँ और एक चीज मैंने कहा है कि इसका हर एक का आपको सिलेबस मिल जाएगा, फिर वो फ्रंट एंड से लेकर हो, बैक एंड से रिलेटेड हो, बिजनेस डेवलपमेंट से हो। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि जैसे अगर आपने चूज कर लिया है आपका बिजनेस डेवलपमेंट का कैटेगरी, तो जब वहां पर वो 5 चैलेंजेस है तो वो 5 चैलेंजेस किस तरह के हो सकते हैं, तो जैसे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला चैलेंज बिजनेस डेवलपमेंट में एक सेल्स एप्टीट्यूड, चैलेंज 1 जो होगा वो सेल्स एप्टीट्यूड का होगा, चैलेंज 2 जो होगा वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होगा, चैलेंज 3 जो होगा वो आपका पिच परफेक्ट से रिलेटेड होगा, चैलेंज 4 जो होगा वो आपका एक एक्सपीरियंस सेल्समैन के साथ में एक इंटरव्यू रहेगा, चैलेंज 5 जो रहेगा वो एक बिजनेस डेवलपमेंट सीनियर बिजनेस लीडर के साथ में आपका इंटरव्यू रहेगा। और ये 5 चैलेंजेस के बाद में जो लोग भी फाइनल में चले जाते हैं उन लोगों को एक्चुअल में जो कंपनीज हायर कर रही है उन लोगों के साथ में इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा। सो यस, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप 1799 रुपीज यहाँ पर भर रहे हो तो ये रिलेवल आपको गारंटी देता है कि आपको यहाँ पर जॉब मिलेगा, बट यस आई कैन अश्योर यू दैट कि यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर, और ये बहुत बड़ी चीज होती है। और ऐसा कभी भी मत सोचो कि लाखों लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो उनमें से मेरा नंबर कब आएगा, ये सोचोगे तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तो कोई भी अप्लाई नहीं करेगा, राइट। सो
थिंक पॉजिटिव। और मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है हमें कि एटलीस्ट जॉब ओपनिंग्स तो पता चल रही है कि यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स है और काफी अच्छी एमएनसीज है और जो कि फ्रेशर्स को हायर कर रही है। सो जस्ट गेट दिस अपॉर्चुनिटी एंड डू अप्लाई हियर। और इससे रिलेटेड आपके पास में कोई भी अगर इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट डाउन करना। मैं कोशिश करूंगी आपके इस कमेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और इसका प्रमोशनल कोड, इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, यू जस्ट गो देयर। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ये काफी सिंपल है, जो लिंक मैंने दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पर चले जाओ। यू विल गेट अ बटन ऑफ रजिस्टर नाउ एंड यू विल गेट देयर कि आपको कौन से चैलेंज पर जाना है, कौन से चैलेंज में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना है, उस टूर्नामेंट को आप यहां पर सिलेक्ट कर लो। और उसके बाद में जो कोई भी फॉर्म आता है वो भर लो, वहां पर आपका कूपन कोड यूज कर लो, एंड देन ये चैलेंजेस ये कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट एग्जाम, आपको किसी भी तरह का बाहर नहीं जाना है, आपको बस लगेगा आपका एक्सिस्टिंग और इंटरनेट का कनेक्शन, दैट्स इट। आप घर पर बैठकर ये कंप्लीट जॉब आप पा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो, विल गेट इन टच इन द नेक्स्ट वीडियो।